Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at home. Students, in this chapter, we will continue the same chapter, the Delhi Sultans, clear? Till yet we have read about the rulers of Delhi Sultanate, and after that we have read about the Razia Sultana, after that we have read about the garrison town, and after that we have read about the hinterland, clear? Now, in this video, we will learn about the different things. First, expansion of the internal frontier. The internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, suppose this is the garrison town of Delhi Sultanate period. क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, जो आसपास की हिंटरलैंड थी, जगह थी आसपास की, सबसे पहले उन्होंने उसको कंट्रोल करना शुरू किया. क्लियर? हिंटरलैंड को कंसोलिडेट, इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने. ये सब वो लोग क्यों कर रहे हैं, ये सब उन्होंने किया जो मंगोल चाइना की जो ट्राइब थी, वो लोग बार बार अटैक कर रहे थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि अगर मुझे अपने गैरिसन टाउन को बचाना है तो मुझे आसपास की जितनी भी हिंटरलैंड है मेरे गैरिसन टाउन के बिचकार, यहाँ पे सारे हिंटरलैंड हैं, इनको सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपना एम्पायर जो है बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर? तो इंटरनल फ्रंटायर के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की. फर्स्ट, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब. जो गंगा और यमुना के बिचकार जो जगह थी, वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया. ठीक है, तो उस लैंड को यूटिलाइज बनाया गया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट. जो उन जंगलों में लोग रह रहे थे, हंटर गैदरर रह रहे थे, क्लियर, उनको वहाँ से उनके उनके हैबिटेट से निकाला गया, कहीं और भेजा गया. क्लियर? नेक्स्ट, देयर स्ट्रेटजी वॉज दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड. अब जो गंगा और यमुना दुआब का जो एरिया था, जहाँ से फॉरेस्ट वगैरह साफ किए गए थे, क्लियर, लैंड फर्टाइल की गई थी, अब इस लैंड को किनको दिया, पेजेंट्स को दिया गया, किसानों को दिया गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर करवाई गई. एग्रीकल्चर करवाने का उनको क्या फ़ायदा हुआ, कि जो उससे जो भी प्रोड्यूस हो रही थी वो इन किंग्स के पास जा रही थी, टैक्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, जिससे वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे थे, अपने एम्पायर को अच्छा कर पा रहे थे. न्यू फोर्ट्स, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट और टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. अब यहाँ पे देख लो कि इंटरनल फ्रंटायर में और क्या किया गया, नए नए फोर्ट बनाए गए, गैरिसन टाउन बनाए गए, टाउन बनाए गए, क्लियर, जिससे जो दो गैरिसन टाउन के बीच में जितना भी एरिया है, रूट है, ट्रेड रूट है, जहाँ से वो व्यापार कर रहे थे, हमने पहले पढ़ा था कि उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी जब वो एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन में जाते थे, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, जिससे उनका ट्रेड बच सके, ट्रेड रूट प्रोटेक्ट हो सके. क्लियर अबाउट द इंटरनल गैरिसन टाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटायर. क्लियर, इंटरनल के बारे में पढ़ लिया, एक्सटर्नल का मतलब है डेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान. एक्सटर्नल जो दिल्ली सुल्तान, अब ये दो गैरिसन टाउन है, इनके बिचकार वाला एरिया जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया, बट एक्सटर्नल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये दिल्ली है, सपोज उन्होंने साउथ इंडिया तक अपना जो है रूल बढ़ाना है. ठीक है, अब यहाँ पे आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अलाउद्दीन खलजी. अलाउद्दीन खलजी का आप देख सकते हो कि जो भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भी उसने अटैक किए हैं, इन्वेड किए हैं, यहाँ पे गुजरात पे किया है, क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो वारंगल पे किया है, और यहाँ से कारा से देवगिरी पे किया है, महाराष्ट्र में किया है, ठीक है, मदुराई पे किया है, जहाँ पे पांडे रूल करते थे. सो दिस इज ऑल नोन एज एक्सटर्नल फ्रंटायर. भी उन्होंने यहाँ पे सोचा कि हमने इंटरनल फ्रंटायर तो अपना बढ़ा लिया, अब हमें अपना एम्पायर या मंगोल अटैक से या किसी से भी बचने के लिए अपना एम्पायर और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटायर की स्ट्रेटजी जो है अडॉप्ट की, अब दूर दूर अटैक करना शुरू
कर दिया. क्लियर. By the end of the Muhammad Tughlaq's reign, 150 year after somewhat humble beginning, the army of Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. अब जो आर्मी थी आपने यहाँ पे देखा है कि उन्होंने अलग अलग जगह पे मार्च करना शुरू कर दिया. यहाँ पे अटैक करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे. क्लियर. यहाँ से प्लंडरिंग का काम करते थे, लूटते थे. क्लियर. तो सब कुछ, इस सब चीज़ों का फ़ायदा किसको हो रहा था? जो सुल्तान मेन दिल्ली में जो सुल्तान बैठा था उसको फ़ायदा हो रहा था. क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल की जितना किंग का एरिया है उसके आसपास फ्रंट टायर के बीच में, गैरिसन टाउन के बीच में जो एरिया है उस पर कंट्रोल करना. एक्सटर्नल है कि अब दिल्ली से उन्होंने साउथ इंडिया की तरफ भी जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे कंट्रोल करना. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मस्जिद. जैसे आप लोग जानते हो कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो वेस्टर्न पार्ट से आए थे. क्लियर. वेस्ट साइड से, टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान से आए थे. तो दे वर मोस्टली मुस्लिम. वो क्या थे? मुस्लिम थे. उनका रिलीजन मतलब हमसे अलग था. तो उन्होंने अब अपना रिलीजन यहाँ पे कैसे बढ़ाया, कैसे लोगों को अपना रिलीजन मानने लगाया. क्लियर. वी विल रीड अबाउट द दीज थिंग्स. सो मस्जिद, अ मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक. अरेबिक में मॉस्क को क्या बोला जाता है? मस्जिद. लिटरेरी, अ प्लेस वेयर द मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह. जहाँ पे मुसलमान अल्लाह के आगे अपना सिर झुकाता है. क्लियर. इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मुस्लिम रेड देयर प्रेयर, जिसको क्या बोलते थे? नमाज टुगेदर. जो उनकी मेन मॉस्क थी, जैसे यहाँ पे मेन किसको बोला गया है? मस्जिद जामी और जामा मस्जिद. क्लियर. जो उनकी मेन मॉस्क थी वहाँ पे लोग क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे इकट्ठे होके. उनकी प्रेयर को क्या बोलते हैं? नमाज. मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न्ड मेल एज देयर लीडर, जिसको क्या बोलते थे? इमाम. अब हमारे धर्म में जैसे आम सिख, तो हमारे धर्म में जो मेन लीडर होता है उसको भाई जी बोलते हैं. ठीक है. हिंदू में पुजारी बोलते हैं. तो इनके मेन लीडर को क्या बोला जाता था? इमाम बोला जाता था. फॉर द रिचुअल ऑफ द प्रेयर ही ऑल्सो डिलीवर द सरमन. सरमन क्या होते थे? आप सुनते हो कि जैसे कोई पाठ सुनाने लग जाता है, लेक्चर देने लग जाता है, तो वो इमाम क्या करता था? सरमन डिलीवर करता था, जिसको क्या बोलते थे? खुतबा. ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, जो फ्राइडे को उनकी प्रेयर होती थी उसमें सरमन, ही डिलीवर्ड द सरमन. ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का. इन इंडिया दिस इज वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला. क्लियर. अब इंडिया में हाँ आप लोग देख सकते हो कि जो पाकिस्तान है, क्लियर, वो वेस्ट साइड में है और पाकिस्तान में ही क्या है? मक्का है. क्लियर. तो जो मुसलमान, इंडिया के मुसलमान थे वो मक्का की तरफ फेस करते थे, जो कौन सी डायरेक्शन में था? वेस्ट डायरेक्शन में था इंडिया की. क्लियर. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज किबला. नेक्स्ट इज द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. दीज डेमोस्ट्रेटेड देयर क्लेम टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम. मॉस्क इज ऑल्सो हेल्प्ड टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट. इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम वराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स. तो इस पैराग्राफ में वो लोग क्या बता रहे हैं कि अब हमें पता है कि ये लोग टर्क से, ईरान, अफगान से आए थे, तो इनका रिलीजन टोटली हमसे डिफरेंट था. अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने अपना रिलीजन स्प्रेड करना शुरू कर दिया. अलग अलग जगह पे जो है मस्जिदें बनानी शुरू कर दी और अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि लोग इनके धर्म को माने. बट जब ये बाद में रूलिंग बहुत बड़े रूलर बन गए, पावर में आ गए, तब इन्होंने जबरदस्ती लोगों से भी अपना धर्म बदलवाने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की. क्लियर. अब यहाँ पे आपको देखें, आप देखोगे एग्जांपल में डिफरेंट मॉस्क आपको देखने के मिलेंगे. फर्स्ट इज
कवायत अल इस्लाम मॉस्क मिनारेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी. दिस वॉज अ कंग्रीगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट इन दिल्ली सुल्तान. ये पहली मॉस्क है जो दिल्ली सुल्तान ने बनाई थी. क्लियर. और द मीनार इसी में ही आपको कुतुब मीनार देखने को मिलेगी. ये मीनार जो है कुतुबद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, उसके बाद में इल्तुतमिश ने भी इसको इसकी जो है इसको पूरा किया. क्लियर. हाँ जी. नेक्स्ट इज बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. बेगमपुरी मॉस्क जो है किसके राइन में बनी है, मोहम्मद तुगलक के. दिस मॉस्क इज ऑल्सो नोन एज सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड. इसको क्या बोला गया है, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है. नेक्स्ट इज द मौत की मस्जिद बिल्ट इन द राइन ऑफ सिकंदर लोदी. एंड लास्ट इज द मॉस्क ऑफ जमाली कबाली बिल्ट इन लेट 1520. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुगलों की टाइमिंग है, तो मुगलों की टाइमिंग जब शुरू हुई है तब ये मॉस्क बनी है. क्लियर अबाउट द टॉपिक ऑफ मॉस्क. इन दिस टॉपिक वी हैव रेड अबाउट द मॉस्क इज नोन एज मस्जिद एंड देयर प्रेयर इज नोन एज नमाज एंड देयर मेन लीडर इज नोन एज इमाम एंड ही डिलीवर्ड सरमन इन फ्राइडे प्रेयर एंड ऑल मुस्लिम फेसिंग टूवर्ड मक्का डेट इज इंडियाज इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज किबला. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ स्लेव. अब हमने पढ़ी है स्लेव डायनेस्टी, पढ़ी है ना आपने स्लेव डायनेस्टी जिसमें कुतुबद्दीन ऐबक रूलर रहे हैं. क्लियर. स्लेव डायनेस्टी. अब स्लेव का, स्लेव से आपको क्या पता चलता है, स्लेव जैसे कोई ऐसा बंदा जो हमने खरीदा है जिससे हम लोग कोई भी काम करवा सकते हैं. क्लियर. यही मीनिंग क्लियर हो रहा है स्लेव से. बट नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, स्लेव्स को गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे रिक्रूट किया गया है, राजे के बराबर रखा गया है. मतलब यहाँ पे अपने बेटे को राजा नहीं बनाया, इवन कि जो उनके फेवरेट स्लेव थे जैसे कुतुबद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी ने कुतुबद्दीन ऐबक को बनाया, कुतुबद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को रूलर बनाया, तो उनके जो मोस्ट फेवरेट स्लेव थे उनको गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया. द कंसॉलिडेटेड ऑफ किंगडम एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर. अब जो किंगडम बढ़ रही थी दिल्ली सल्तनत की, सुल्तान्स की, उनके लिए रिलायबल गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी. ठीक है. रेदर देन अपॉइंटेड अरिस्टोक्रेट्स एंड द लैंडेड चीफियन एज गवर्नर इन द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन. ठीक है. अब अरिस्टोक्राट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये जो उस या फिर जो उस टाइम पे अमीर लोग थे उनको गवर्नर अपॉइंट नहीं किया गया, रूलर ने उनको गवर्नर अपॉइंट नहीं किया. बट जो स्लेव वो मिलिट्री सर्विस में खरीद के लेके आए थे, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं बंदागन. क्लियर. उनको गवर्नर की या एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे रिक्रूट किया गया. स्लेव्स दिस वर आल्सो नोन एज बंदागन इन पर्शियन. पर्शियन में इनको क्या बोला गया है, बंदागन. दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम सिंस दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर. द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रैली अपॉन देम. क्लियर. ये दिस वर टोटली डिपेंड ऑन देयर मास्टर. और सुल्तान भी इन पे आराम से विश्वास करता था क्योंकि ये सुल्तान की हर बात मानते थे. तो यहाँ पे आपको आप देखोगे कि द खलजी एंड तुगलक कॉन्टिन्यू द यूज ऑफ बंदागन. जो खलजी डायनेस्टी थी या तुगलक डायनेस्टी थी, इन्होंने यही स्लेबों को रिक्रूट करना, उनको गवर्नर बनाना, क्लियर, उनको मेन पोस्ट देनी, ये सिस्टम जो है इसको कॉन्टिन्यू रखा. क्लियर. Also raised people of humble birth who were often their clients to high political position. समझ आ गया. जो slaves थे उनको high political position पे रखा गया है. किस dynasty में, खलजी dynasty में भी, तुगलक dynasty में भी. They were appointed as a generals or governor. इनको आर्मी में generals और governor भी एक area का, जैसे suppose this is the area, इसका governor एक slave को रखा गया, तो वो तो इस area का एक हिसाब से राजा ही हो गया.
However, this also introduced the element of political instability. But इसका एक नुकसान भी हुआ है कि इससे political instability जो है वो बहुत फैली है, क्योंकि जो राजे के और nobles थे और राजे के अंडर जो लोग काम करते थे, जो slaves नहीं थे, वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे कि हम एक slave के अंडर काम करेंगे. Clear? और problems क्या यहाँ पे face करने को मिली है? Slaves and clients were loyal to their master and patrons, but not of their heirs. जैसे अलाउद्दीन खलजी ने किसी स्लेब को रखा है, वो अपने मास्टर और पैट्रन की तरफ तो वो लॉयल थे, बट जो आगे उनके बच्चे हुए हैं, जो उनके बने हैं बच्चे, राजा बने हैं बाद में जाके, कभी उनके मरने के बाद वो उनकी तरफ लॉयल नहीं थे. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ऑन सर्वेंट. एज अ रिजल्ट द असेशन ऑफ न्यू मोनार्च ऑफन सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबेल्टी. अब जो नए सुल्तान बने हैं उन्होंने अपने स्लेब रख लिए, जैसे अलाउद्दीन खलजी है उसने अपने स्लेब रख लिए, जलालुद्दीन खलजी है उसके अपने स्लेब थे. अब ओल्ड और न्यू के बिटवीन में क्या होने लगी? कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी. द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी अलाइट्स एंड सो दिस सिस्टम वॉज नॉट लाइक्ड बाय तवारिक. अब तवारिक के जो ऑथर थे उन्होंने इस स्लेब बंदागन सिस्टम को टोटली रिजेक्ट किया है. अपनी जो उन्होंने लिखी हैं बुक्स लिखी हैं, उन्होंने बोला कि जो लो और बेस बॉर्न थे लोग, स्लेब थे, उनको क्या दिया गया? हाई ऑफिसेस दिए गए हैं. मतलब जो नोबेल्स थे उनके बच्चों को नहीं दिए गए, मतलब स्लेब्स को यहाँ पे हाई ऑफिसेस दिए गए हैं. तो उन्होंने इस चीज़ का टोटली क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी कि मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, उन्होंने अलग अलग स्लेब्स को अलग अलग जगह पे रखा हुआ है. जैसे एक बारबर को बनाया गया है, कुक को बनाया गया है, ठीक है, गवर्नर बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे लधा और पीरा दो बंदे हैं जिनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा गया है. तो मतलब सुल्तान ने तो अपने फेवरेट स्लेब को एक अच्छी पोस्ट दी है, गवर्नर अपॉइंट किया है, जर्नल्स अपॉइंट किया है, बट ये चीज़ जो और लोग थे उनको पसंद नहीं थी. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम. क्लियर? क्लियर टिल येट? सो इन दिस वीडियो वी हैव रेड अबाउट द मस्जिद, क्लियर, मॉस्क्यू, एंड आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट द रोल ऑफ स्लेब. What was the role of slave? That they were also known as a bandagan. They were appointed as a governor and administer by the Delhi sultans. Clear? And many high offices were given to them. Clear? But at last there were conflict between new and old slaves. Clear? In में आपस में conflicts होने लगी, जिस क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो अपने किंग की तरफ ही लॉयल थे, न्यू वाले वो पुराने जो हैं स्लेव्स उनकी बात नहीं मानते थे, तो करप्ट थे. क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे.